हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पिजन्स दिखाऊंगा जो भाई सेल के लिए हैं और काफी सारे हैं। और उसी के साथ दोस्तों, हमारे लॉक में हुई है बहुत अच्छी गुड न्यूज, जिसको देखकर दोस्तों आपको मजा ही आ जाएगा। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करते, जो कुछ है मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी भाई सुबह का टाइम हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सभी कबूतरों को दोस्तों खोल लेते हैं, क्योंकि इनके भाई खोलने का टाइम हो चुका है। ये देखो भाई, तो दोस्तों ये आ चुके हैं हमारे सारे ही कबूतर बाहर। और इसमें से मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि रेड यूरोपियन सेल हो गया है। तो दोस्तों, रेड यूरोपियन के साथ सिर्फ वो अकेले ही सेल हुआ था, मैंने बोला था वो चिक्स सेल हुए हैं शिराजी, तो ये अभी तक सेल नहीं हुआ है ये वाला। और ये ब्लैक मुकी भी सेल के लिए अवेलेबल है, ये और जो ग्रेबार था वो, और एक और जो हमारा तुलसी था वो। और एक सैड न्यूज ये हुई दोस्तों, सैड न्यूज बोल लो बैड न्यूज बोल लो, हमारा जो इसका साथी था कल या परसों रात में दोस्तों, भाई वो मर गया। दिन में वो काफी ज्यादा सुस्त था और रात तक भाई वो नहीं बच पाया। तो अब ये सिंगल बचा है और इसके साथ रेड मेल था, तो अपन ये वाला रेड मेल के साथ भी इस वाले चेक को दे सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वो रेड ही है और ये भी है, तो सेम ही जोड़ रहेगी। ठीक है भाई। और अरे भाई ये देखो, ये देखो ये अंडा है और ये शायद इसका है। ये देखो ये उठ के आई है ना। हाँ चलो अच्छा, तो तुम कह रहे थे और किसी का होगा, मुझे ये देखो दोस्तों, मुझे लगा ब्लैक का नहीं होगा। तो दोस्तों देख सकते हो भाई, इसके अंडे अगर अनफर्टाइल आ रहे हैं ब्लैक लाहौरी के, तो भाई ये ऐसे खराब क्यों होना है? अनफर्टाइल के अंदर तो भाई कुछ भी नहीं होता। ये देखो, ये तो भाई शायद फूट फाट गया, बहुत हल्का हो रहा है। ये देखो दोस्त, तो भाई इसको हटा दो। अनफर्टाइल आते तो नशी नहीं बनती, खराब क्यों? हाँ ऐसे खराब तो कभी नहीं होते। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, हमारे ब्लू बार पेयर को खोल देते हैं। और जो इनका एक और अंडा था वो बिल्कुल खराब था, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, बच्चे पे कलर भी आ चुका है, मतलब तीन चार दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखो, तो ये बच्चा इंशाल्लाह दोस्तों ब्लू बार ही आएगा। और हाँ ब्लू बार ही आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। ये देखो भाई, साफ सुथरी मार्किंग का, ठीक है। और ग्रेबार ने दोस्तों हमारे दोनों अंडे दे दिए थे, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे ग्रेबारों को भी खोल लेते हैं। ये देखो दोस्तों, वो बढ़िया अंडे पे बैठी रही। इसको हटाओ भाई, ये गिर गई। इसको हटाओ, ये पन्नी गिर गई भाई। ये देखो भाई, तो ग्रेबारों को भी खोल दिया है। और ये वाला जो शिराजी बच्चा था, ये भी दोस्तों हम सेल करेंगे, क्योंकि अब ये भी खुद से दाना खाने लगा है। और सारे ही कबूतर जितने भी पट्टे थे दोस्तों, मैंने आपको जितने भी बच्चों का शौक करवाया था, लगभग वो सभी के सभी रेडी हैं भाई सेल के लिए। तो कोई एक साथ लेना चाहेगा मैं एक साथ भी दे दूंगा, और कोई रेड के साथ ये तुलसी लेगा वो जोड़वाना के ये दे दूंगा, ये कोई सिंगल लेगा तो ये वाला तो मैं सिंगल भी दे सकता हूँ, वैसे कोई एक साथ लेगा तो मैं एक साथ पूरे भी दे दूंगा। दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सेटअप के अंदर। सेटअप में दोस्तों हुआ क्या भाई, लंबी कहानी है, मैं आपको कहानी तो नहीं सुना सकता पूरी, लेकिन ये जो कुछ दिख रहा है दोस्तों सबका सब सेल के लिए है। और ये सारे हमारे घर के कबूतर थे, हमने एक भाई को दिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना कहानी नहीं बता सकता, तो मैंने भाई वापस मंगा लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सारे के सारे आए हैं भाई दाना खाने। और इनमें से भाई कुछ कबूतर ऐसे हैं जिनकी काफी खराब आंख आ रही थी, और आंख भाई काफी ज्यादा सही हो चुकी है। इलाज तो मैंने लास्ट वीडियो में इलाज की वीडियो डाली है, जिसने नहीं देखी वो जाकर भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है आंख के इलाज की वीडियो देख लेना। इनकी आंख और ज्यादा बुरी आ रही थी, लेकिन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और ये बिल्कुल ठीक होने वाली है। तो जैसे ही कुछ कुछ तो बिल्कुल ठीक है और कुछ कुछ की थोड़ी बहुत आंख आ रही है। तो वो भाई ने मंगवा लिए। किस भाई ने? वो जिनसे अपन ने वापस लिए। हाँ वैसे वो दे नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कबूतर ले लेते हैं अपन भरोसा करके दे देते हैं, और उनकी आंखें आने लगी तो हमने वापस भेज दिए। ये झूठ बोल के लिए कितना करते हैं भाई लोग बाग। अब भाई क्या कर सकते हैं, मैं तो बता नहीं रहा था, अब तुमने बता दिया। वैसे तो मैंने बताना था कि अच्छा नहीं लगता ना ये करना यार भाई। चलो अब दोस्तों भाई ने बता दिया, तो मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूँ। हमने क्या है, उनको कबूतर भेजे थे और उनकी यहाँ भाई जाकर वो बीमार हो गए और कुछ कुछ की आंख आ गई। आपको भी पता है हम बिल्कुल सही कबूतर भेजते हैं, थोड़ा भी बीमार हो। ये जैसे फेंटेल था, मैंने अंडों से उठा के दिया होगा, जो मेरे वीडियोज देखते हैं उनको अच्छे से याद है। लेकिन भाई उनकी यहाँ गए और काफी कबूतरों की आंख बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि वो कबूतर लगभग मरने की हालत में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों अपन ने वापस मंगवा लिया, और उनने पेमेंट भी नहीं करी, बीमार भी कर दिए। और पेमेंट करने का टाइम आया तो बोलने कि भाई हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे और हमारे घर वाले ऐसा वैसा। वो तो लंबी कहानी है, मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुना रहा। तो जो कुछ है सामने आपके लिए वो सेल के लिए है, और अगर बिल्कुल प्रॉपर मैंने बिल्कुल आंख सही कर दी तो हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में सेल की वीडियो बना दूंगा। तो भाई अभी इनके लिए दाना ले आओ, अभी तो हाँ अब तो दाना पानी सब खा रहे हैं,
बढ़िया इम्प्रूव हो गए हैं। और जिस किसी जो भाई लेते रहते हैं वो मुझसे वीडियो मांग सकते हैं कि भाई एक दो जोड़े हमें बता दो, तो मैं सही जोड़ों की वीडियो तो डाल दूंगा, बाकी यूट्यूब पे वीडियो आई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप अपन अपने सभी कबूतरों को दाना पानी कर देते हैं। पानी तो ये रखा है जिसमें मैंने मिलाया था टेट्रासाइक्लिन का पाउडर, और पानी को गुनगुना मैंने पहले ही कर दिया था, अभी मैंने रख दिया है दोस्तों पानी। और ये वाला चिक देखो भाई, ये वाला चिक है, एक ये रेड वाला चिक है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कोई ये जोड़ बना के लेना चाहे जोड़ बना के दे दूंगा। और एक भाई जो ग्रेवार है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी में आया है, वो भाई मैं किसी अपनी पहचान वाले को दूंगा, कि बाकी अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी या कभी भाई मुझे चाहिए हुआ तो मुझे यही ब्रीड पालनी है। ये देखो दोस्तों बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का दोस्तों ये चिक है, इसके आप बूट्स देख सकते हो, फेदरिंग देख सकते हो जो हमारे ग्रेवार पेयर से निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला मैं किसी अपने वाले बिल्कुल ऐसे को दूंगा जो करीबी होगा। तो अभी दोस्तों भाई ने सभी कबूतरों को दाना रख दिया है, और बाकी इन सभी को भी भाई मैं दाना रख देता हूँ। ये देखो भाई, और रही बात भाई गुड न्यूज की, कि गुड न्यूज क्या है, तो सबसे पहले तो ग्रेवार को आने देते हैं बाहर। आजा भाई, कहाँ गया ये, बाहर क्यों नहीं आ रहा। चलो ये देखो स्टैंडिंग देख सकते हो दोस्तों आप लोग, लुक देख सकते हो, कटिंग देख सकते हो, मतलब हम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे इधर भी अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स निकलने लगे हैं। ये देखो भाई ये अच्छा लगाया। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको याद होगा भाई पहले अपन थोड़े बच्चे देख लें, काफी दिनों से मैंने आपको बच्चे नहीं दिखाए। तो दोस्तों ये हमारे फेंटेल के चिक्स, जो अभी मैंने व्हाइट फेंटेल दिखाया था उसके हमने शिफ्ट करे थे, माशाल्लाह से दोनों बिल्कुल ठीक है। और रेड शिराजी का ये वाला तो बिल्कुल बच्चा रेडी हो गया है, देखो भाई बिल्कुल कलर वलर आ गया है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है ना, ये देखो दोस्तों अभी कल परसों तक तो बहुत ही छोटा था, अभी ये माशाल्लाह से दोस्तों काफी ज्यादा इम्प्रूव लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी जैसा भी ये बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं है। और बाकी ये देखो दोस्तों हमारी जो लक्का है उसने भी फाइनली दोस्तों दोनों अंडे दे दिए हैं, ये बहुत अच्छी चीज हो चुकी है। और सेटिनेट ने भी एक अंडा दे दिया। हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारे सेटिनेट के अंडे फर्टाइल हुए या कोई और अच्छे पैर के मुखी के अंडे फर्टाइल हुए तो हम अपनी लक्का के नीचे इनको रख देंगे। ठीक है, और ये जो नया एलमंड ने अंडे रखवाए थे ये दोनों अंडों पर बैठी हुई है, इसने भाई अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों अंडे दे दिए थे, बढ़िया है। और इसमें फैंसी पैर बहुत जल्दी फिर से अंडे दिलवाएगा। और इसमें तो भाई ये गुड न्यूज हो गई, वाह। ये देखो दोस्तों हमारे सिल्वर मुखी का एक बच्चा निकल चुका है माशाल्लाह से, और बहुत ही प्यारा बहुत ही छोटा सा ये बच्चा है, ये देख सकते हो दोस्तों। यहाँ तक है भाई ये सिल्वर ही आएगा, काफी बेहतरीन ये बच्चा लग रहा है। ये देखो भाई, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज हो चुकी है। सिल्वर का एक अंडा खराब हो गया था, तो चलो दोस्तों इस बार भी इनका एक अंडा खराब था, लास्ट टाइम दोनों थे, लेकिन एक बार एक बच्चा निकला है भाई, काफी अच्छी क्वालिटी में वो बच्चा आएगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा जब मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। तो अभी अपन चलते हैं सेटअप वाले कबूतरों को दाना करने, एक तुम पकड़ लो भाई, ये देखो दोस्तों। और सेटअप वाले कबूतरों का भाई हाल मैं आपको बताऊं, जब से भाई ये आए हैं इतना पेट भर के दाना खा रहे हैं, जैसे भाई उनको दाना सिर्फ दिन में एक ही बार मिलता था। अब वो तो बस क्या बताऊं दोस्तों, हो जाती है गलती, अब ऐसी गलती अब नहीं होगी। ये देखो दोस्तों, वैसे दोस्तों इनको शायद एक टाइम या दो टाइम जितना भी टाइम दाना मिलता था, बहुत कम क्वांटिटी में दाना मिलता था, जिसकी वजह से हमारे कुछ कबूतर काफी हल्के भी हो गए थे। अभी दोस्तों इनको आए हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया था, काफी दिन हो गए उसको। लेकिन दोस्तों भाई ये काफी शौक से दाना खाते हैं, काफी बेरा के, और इसमें भाई एक भी दाना नहीं बचता, मतलब इतने अच्छे से पेट भर के दाना खा रहे हैं। तो अच्छा है भाई, अपन को दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता दाना कितना भी खाएं, अपन तो 3 टाइम दाना देते हैं, ब्रीड करो मत करो, 3 टाइम दाने की आदत भाई हमने कर दी है। तो अभी भाई ये हमारे सारे कबूतर दाना खा रहे हैं, ये देखो दोस्तों। और भाई ये ब्लैक शील्ड के बच्चे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, किसी को भी चाहिए तो मैं उनको दे दूंगा, जैसे कि भाई आप लोग देख सकते हो अब इनका वजन भी अच्छे से बढ़ने लगा है, आंख सही हो गई है तो, और बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो गए हैं। ये देख सकते हो दोस्तों कितने ज्यादा शौक से कैसे झूम के ये दाना खा रहे हैं। और अभी मैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी एक गुड न्यूज बताता हूँ, बहुत अच्छी। अभी दोस्तों ये देखो ये सभी दाना खा रहे हैं। और हुआ क्या, आपको याद होगा दोस्तों कुछ ही दिन पहले हम प्रकाश भाई से एक तुलसी पेयर लेकर आए थे, तुलसी शिराजी, और जो काफी टाइम के बाद उसने यहाँ पर अंडे भी दिए थे, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। और अभी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाता हूँ जो आज की वीडियो की सबसे अच्छी चीज है। तो हुआ क्या दोस्तों, आपको याद होगा शुरू में तो भाई ये कहीं भी जोड़ लगाने के बाद, जोड़ तो लगी थी, कहीं भी सेट नहीं हो रहे थे, केजेस के ऊपर सेट हो रहे थे। फिर हमने कुछ ही दिनों में इनको इधर पर सेट किया था इस केज में, और बहुत ही जल्दी इनने दोस्तों अंडे भी दे दिए थे जैसे ही ये सेट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली दोस्तों इसके नीचे
अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों बच्चे निकल आए हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो भाई, ये फीमेल बेटी है ना भाई, ये देखो भाई, तो ये दोनों फीमेल ने दोस्तों बच्चे निकाल दिए हैं और बहुत ही अच्छे से ये बच्चों को पालेगी फर्स्ट टाइम। जहां तक उम्मीद है पालना चाहिए, प्रकाश भाई का कबूतर है, ज्यादातर ब्रीड भी करी हुई है भाई उनकी यहाँ, और हमारे यहाँ ये फर्स्ट टाइम है। ये देखो भाई, छोटे छोटे से इसके दोनों बच्चे निकल आए हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो की सबसे अच्छी गुड न्यूज, और भाई काफी टाइम के बाद हमारे फर्स्ट केज में तो दोस्तों फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दो बच्चे निकले। हमने उम्मीद थी कि भाई हमारे ब्लू बार के नीचे से भी यार दोनों बच्चे निकलेंगे, लेकिन भाई ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बच्चा ही सही, बस अच्छा पालो, ठीक है। तो एक बच्चा इधर निकल आया है, और बहुत जल्द इनका भी एक अंडा दोस्तों खराब हो गया, कोई कबूतर घुस गया था तो फूट गया, तो बहुत कम चांसेस हैं कि भाई दूसरा बच्चा निकले। एक बच्चा निकलने के तो चांसेस रहेंगे, और इसमें से जो रेड यूरोपियन था दोस्तों वो सेल हो ही गया था, मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसमें हमें बहुत जल्दी न्यू पेयर लाना है, और इनके भी भाई बहुत जल्दी बच्चे निकलेंगे। जो हमारा ब्लैक पेयर है, इनके बच्चे नहीं दिखाए, मैं आपको इनके बच्चे दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, माशाल्लाह से दोनों ही बच्चे बिल्कुल ठीक है। ये देखो कितने बेहतरीन ये बच्चे आए हैं, और हमारा फैंसी बेयर बहुत अच्छे से पाल रहा है। इनके बच्चे भी देखना है भाई, ये इतनी यूनिक कलर है, यहाँ तक येलो बच्चे निकाले तो ज्यादा अच्छा है। बाकी जैसे भी निकलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसने भी दोनों अंडे दे दिए ना रुशान, ये येलो से जो तुलसी लगी है, दोनों चलो भाई बहुत अच्छी चीज है, इसने भी दोनों अंडे दे दिए। तो दोस्तों फाइनली इसके दोनों बच्चे निकल गए हैं, मुझे यही आपको बताना था, और उसी के साथ पूरे लॉफ की अपडेट भी दे दी है। ये देखो भाई हमारी रक्का ने भी फाइनली दोनों अंडे दे दिए हैं, और बहुत जल्द इसके बच्चे तो निकलेंगे, लेकिन हम नहीं चाह रहा इसके बच्चे निकले। हम हुआ तो भाई किसी और के अंडे शिफ्ट करेंगे, अगर किसी और ने दिए तो ठीक है, और फर्टाइल हुए तो, और फिर दोस्तों अपनी लक्का से इस बार अपन किसी और के पलवाएंगे, और अगर किसी और के नहीं मिले तो भाई जैसे कि हमेशा खुद के पालती है तो खुद के ही पालेगी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि मुझे आपको बताना था कि हमारे जो भाई ब्लैक तुलसी पेयर है जो हम प्रकाश भाई से लाए थे, उसके फाइनली दोनों बच्चे निकल चुके हैं, और हमारी लक्का ने भी दोनों अंडे दे दिए हैं, और बटरफ्लाई सेटिनेट ने एक अंडा दे दिया है, और सिल्वर मुखी का भी दोस्तों बच्चा निकल चुका है। क्योंकि मैं थोड़े दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं तो काफी सारी गुड न्यूज हुई, और जो शिराजी कबूतर है सेल के लिए, जो कोई लेता रहता है वो मुझे मैसेज कर देना, पर्सनली मैं उनको अच्छे जो पेयर होंगे उसकी वीडियो डाल दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।